हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडागा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उनकी इंस्टीट्यूट ने सेकेंड एमटीपी निकाल दी। मैं सॉल्यूशन लाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि तबीयत का इशू था, इसीलिए अभी भी पूरा ठीक नहीं हूँ। बट जैसे तैसे भी अब आप लोगों के लिए एमटीपी का सॉल्यूशन लाना ज़रूरी था क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ऐसा नहीं है, देखो आप जब मेरे थ्रू एमटीपी देखते हो तो एमटीपी देखने का पर्पस क्या होता है आपका? पर्पस ये होता है कि जो सर छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं जहां पर मिस्टेक हो सकती है, वो मिस्टेक्स अपन को एग्जाम में नहीं करनी है, इसीलिए आप एमटीपी का सॉल्यूशन देखते हो। नहीं तो एमटीपी के आंसर्स तो आपको ही मिल सकते हैं, बट आप क्यों देखते हो? क्योंकि आपका पर्पस ये है कि कुछ छोटी मिस्टेक्स जो होती है, जो छोटी बातें ध्यान रखने वाली होती है, वो वहां पर गलतियां ना हो, इसीलिए आप देखते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी आज अपन सर मैं एक बार में पूरी एमटीपी तो नहीं करा पाऊंगा। अभी अपन इनकम टैक्स का जो एमसीक्यू है और जो केस सिनेरियो है उसको कवर अप करते हैं। नेक्स्ट में एमसीक्यू सॉरी इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव कवर करेंगे, उसके बाद फिर जीएसटी कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, एमसीक्यू देखते हैं सर, ये केस सिनेरियोज देखते हैं इनकम टैक्स के। पहले कभी भी मैंने हमेशा से एक बात सिखाई है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेप्टेम्बर वालों के लिए तो ये लास्ट है। सर एक बात सीख लो, केस सिनेरियो में कभी भी पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। सर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तब आप अपने दिमाग को गाइड करते हो कि भाई सुन, इस चीज से रिलेटेड तेरे से क्वेश्चन पूछा है, इस चीज से रिलेटेड तुझे केस सिनेरियो में सोचना है। तो आपका दिमाग ना कोई भी चीजों को सोचने के लिए बहुत प्रिसाइज हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत सेव होता है सर, विश्वास करो बहुत टाइम सेव होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर सही टेक्निक से चलना। गलत टेक्निक चलोगे तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई स्टूडेंट पूरा केस सिनेरियो पढ़े फिर क्वेश्चन पढ़े तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, उतने सारे डाटा वो कलेक्ट करके रख नहीं पाएगा दिमाग में। इसलिए बेटर होता है पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो देखो क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आपको बोल रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर 10AA। ठीक है, तो मतलब 10AA वाली बातें होने वाली है हमारे साथ। फिर उसके बाद बोल रहा है सर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी ये बताना है सर 10AA वाली, और फिर आपको इसकी टोटल इनकम भी बताना है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं सर। मिस्टर संभव एज 48, सर एज हमेशा से काम की रही है। पनिश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन एससीजेड इन मार्च 2018। इट बिगेंस मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2018। ओके, तो मेरे प्रीवियस ईयर 23-24 तक सर क्या 5 ईयर्स हो चुके हैं? यस सर, 5 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। आप आराम से काउंट कर लेना, 18, 19, 20, 21, 22, 23। हम तो 23-24 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो हमारा 6th ईयर हो गया ना सर। तो हमारा तो सर 5 साल खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये टोटल सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट सेल दिया हुआ है। प्रोसीड रिसीव्ड इन इंडिया बाय 13 सितंबर 2024 45 लाख। डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग दिया हुआ है। ठीक है, ओके। एक्सपोर्ट सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंक्लूड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। सर फ्रेट और इंश्योरेंस तो कभी आता ही नहीं है एक्सपोर्ट सेल में, तो सर इसमें से 5 लाख माइनस कर दोगे आप। ठीक है, और जो ये टोटल सेल है इसमें से भी 5 लाख माइनस हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा था ना, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर, तो ये तो पहला आंसर मिल गया आपको, ये तो बहुत ही ईजी हुआ। बट मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊंगा आखिरी में, एंड में एक मस्त वाली बात बताऊंगा। ठीक है, मस्त वाली बात रहेगी। उसके बाद आपसे ये भी तो पूछा सर 10AA के हिसाब से उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी उसको, तो ठीक है भाई 20 लाख का प्रॉफिट है इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 80 इंटू 50%, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो कितना आ जाएगा ये 20 × 40 / 80 × 50%, 5 लाख आ जाएगा ये। लो सेकेंड वाला भी आंसर मिल गया हमें 5 लाख। अब टोटल इनकम निकालने बोला है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ही रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर आकाश अ सैलरीड इंडिविजुअल। ही अर्न एन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 7,000। ओके ठीक है,
मिस्टर संभव है शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिटर्न, मतलब नॉर्मल ही चलना चाहता है ये। अच्छा मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, पहले तो एक मस्त वाली बात ये बात सुनो सर, जब भी जो क्वेश्चन पहला दिया रहता है ना जनरली उसका आंसर पहले मिल जाता है, ये केस स्टडी में पढ़ने का फायदा है। पहले क्वेश्चन अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ो तो उसका पहले आंसर स्टार्टिंग में मिलता है, सीक्वेंस में मिलता है केस सिनेरियो में आंसर। ये अगर स्टूडेंट नोटिस करेगा तो चाहे ये वाली एमटीपी, इससे पहले वाली, चाहे जो भी एमटीपी उठा के देख लो, यही फायदा होता है। इसीलिए बोलता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ो, सीक्वेंस में आंसर मिलेगा तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से आएगा कि एक एक बनते जा रहा है। ठीक है, तो सर अब तो हमें टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत होगी सर, क्योंकि इसकी आ जाएगी पी जी बी पी की इनकम 20 लाख, क्योंकि 10AA वाली इनकम है। फिर इसको रेंट रिसीव्ड हुआ है, हम तो रफ में लिख सकते हैं ना सर जैसे चाहे, रेंट कितना है 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 360,000। अच्छा एक मस्त वाली बात बताऊं, देखो सर ये जिसको लेट आउट किया ये सैलरीड इंडिविजुअल है और रेंट गनीमत 50,000 से ज्यादा नहीं है, नहीं तो वो टीडीएस का भी ऑब्लिगेशन आ जाता। खुश नसीब हो आप बच गए जो टीडीएस का ऑब्लिगेशन नहीं है। आप एग्जाम में खुद से चेक करना सर, खुद थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ तो चलो मैं आपको बता दिया, कई स्टूडेंट तो ये चीज सोचे भी नहीं होंगे सॉल्व करते टाइम, बट ये ध्यान देने वाली बात है सर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। इसको इंटरेस्ट भी मिला है सेविंग बैंक अकाउंट से सर 15,000, और पोस्ट ऑफिस से भी इंटरेस्ट मिला है। तो देखो इंटरेस्ट सेविंग वाला 15,000 और पोस्ट ऑफिस वाला जो इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस वाला इंटरेस्ट जो होता है सर आपको याद होगा तो 3,500 की एग्जेम्पशन होती है इंडिविजुअल के केस में, तो सर पोस्ट ऑफिस का तो 3,500 ही इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ठीक, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, माइनस करेंगे डिडक्शन जो हमने 10AA की 5 लाख निकाला, माइनस 80, अरे यार देखो नेक्स्ट डिडक्शन होगी सर 80TTA, वो भी मिल जाएगा सर 10,000। इसकी एज कितनी है, 48 है ना, हाँ TTA मिल जाएगा 10,000, तो कितना आ रहा है सर 20 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 15,000 प्लस 3,500 माइनस 5 लाख माइनस 10,000, और कुछ तो नहीं छोड़ दिया अपन, और कुछ एक मिनट, और कुछ तो नहीं छोड़ दिया अपन। आहा, ये जो रेंट है, रेंट में अपन 30% माइनस करना भूल गए ना, 3,60,000 इसका 30%, तो ये 1,08,000 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे मतलब, तो ये 2,52,000 आ जाएगा सर 2,52,000, तो ये हो जाएगा 20 लाख प्लस 2,52,000 प्लस 15,000 प्लस 3,500 माइनस 5 लाख माइनस 10,000, तो ये आ रहा है 1,760,500, ये रहा आपका आंसर। समझ आया, ये पहला वाला एमसीक्यू मस्त था। आपको मैं पूरा एमसीक्यू करवाने के बाद एक मस्त वाली बात बताऊंगा, ठीक है, अभी तो अपन करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। अगला देखो केस सिनेरियो क्या दिया हुआ है, पहले क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है भाई, व्हाट इज अंशुल्स रेजिडेंशियल स्टेटस, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है इसका, इसके बाद टैक्सेबल परक्विजिट बताना है और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी भी बताना है। ठीक है, वैसे मस्त वाली बात बताऊं, ये वाला क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट मई 23 की एमटीपी में दे चुकी है, सेम क्वेश्चन है, सेम कुछ नहीं बदला है सर, कुछ नहीं बदला, ये सेम है, सेम मई 23 या नवंबर 23 के एमटीपी में दिए सर इंस्टीट्यूट ने, सेम क्वेश्चन है, सेम सर। ये 5 अक्टूबर को जा रहा है और रिटर्न कर रहा है 2 अप्रैल को, तो ये इंडिया में कितने दिन है बताओ, अप्रैल 30, 31 मई, जून 30, 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 अक्टूबर, 188 डेज सर, ये 188 डेज इंडिया में है, ये रेसिडेंट तो हो गया। ऑर्डनरी की नॉट ऑर्डनरी ये हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि सर ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी के लिए बाकी चीज़ें डिटेल दी नहीं है। ठीक है,
तो ये पहला वाला ऑप्शन ही होने वाला है सर। ये क्वेश्चन सेम है, मैं करा चुका हूँ, मेरे को तो याद है सर, सेम फिगर्स है। एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेट 115 BAC ऑफ नहीं करता, सेम क्वेश्चन है सेम। इसमें आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, टैक्सेबल परकेजिट निकालना है। टैक्सेबल परकेजिट में देखो क्या क्या आएगा बताओ। एक तो ये मेडिकल बिल रीइंबर्स आ जाएगा, ये सैलरी आ जाएगी सर, सर्वेंट की सैलरी आ जाएगी, प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा, ये सर जो ईसॉप वाला ये आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 15,000 प्लस इंटू 12 कर लो, ये 48,000 ठीक है, प्लस 2,400 प्लस 35, 350 माइनस 250, 100, 100 इंटू 40, 40,000 प्लस कर लो, ये कितना है 15 प्लस 48 प्लस 2,400 प्लस 40,000 10,540। सर सेम क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसके बाद इनकम अंडर द हेड सैलरी बोल रहा है, तो परक्विजिट तो आप निकाल चुके हो, बेसिक सैलरी उसकी 58,000 है, इंटू 12 कर लो कितना आ रहा है 58,000 इंटू 12 6,96,000 ठीक, प्लस डीए, डीए आपको दिया हुआ है, देखो ये आपको दिया हुआ है कहाँ गया, 10% ऑफ बेसिक पे, ये देखो बेसिक सैलरी इसकी 58,000 है, ये दिया हुआ है 10% 6,96,000 प्लस बोनस दिया हुआ है सर, बोनस कितना है मेरे ख्याल से 98,000 है। सेम क्वेश्चन है सर सेम, मेडिकल अलाउंस 60,000 है ना याद रखना, बोनस 98,000, मेडिकल अलाउंस 60,000 प्लस परकेजिट जो आपने निकाला कितना निकाला था 10,540, उसको ऐड कर लो कितना आ रहा है 6,96,000 प्लस 6,96,000 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 10,540 ये आया माइनस 50,000 क्योंकि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो लोगे, माइनस प्रोफेशनल टैक्स जो है वो भी तो माइनस करोगे सर, माइनस 2,400 ये आ रहा है 9,76,000। सर सेम क्वेश्चन सेम, मेरे को तो याद था सर, स्टिल कोई स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करना चाहे पूरा डिटेल में तो कर सकते हैं, बट मेरे को सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इसलिए मेरे को याद था ठीक है, सिमिलर इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर 115 BAC नहीं होता ना तो मजा आ जाता सर, मतलब अगर वो पर्सन 115 BAC ऑप्ट करता ना तो मजा आता फिर सॉल्व करने में, फिर कुछ चेंजेस होते ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर रॉस एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड इन एन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा पहले तो ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है ये ध्यान दो, ही इज अ नॉन रेसिडेंट है सर, नॉन रेसिडेंट है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उसको सैलरी रिसीव हो रही है एन अलाउंस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन ऑस्ट्रेलिया, इन एडिशन ही ऑल्सो ही वॉज अलाउड परकेजिट बाय द गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सैलरी अलाउंसेस परकेजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रॉस इज अ नॉन रेसिडेंट, पहला ही ऑप्शन सही है, नॉन रेसिडेंट है इसलिए, अगर इंडियन सिटीजन होता रेसिडेंट होता तो उसकी सैलरी सिर्फ टैक्सेबल होती बाकी चीजें टैक्सेबल नहीं होती, ये ध्यान रखना। सर ये वाला क्वेश्चन तो आप चाहो तो मैं MCQ जो सॉल्व कराया ना सर वो MCQ में दिया हुआ है, इसका आंसर डी है। मैं आपको लास्ट में जो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो यही बताने वाला था कि जितने स्टूडेंट है अगर मेरा अभी तक इनकम टैक्स का पूरा जो MCQ और केस सिनेरियो डला हुआ है अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिटरली आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट उसी में से ज़्यादातर MTP RTP एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ रहे सर, केस सिनेरियो और MCQ के, अगर आप देखोगे तो सेफ साइड रहोगे, अच्छा रहेगा सर, कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो फिर आपको ही सर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने इनकम टैक्स के 25 केस सिनेरियो डाले और इनकम टैक्स का MCQ भी पूरे चैप्टर वाइज डाल दिए सर, ऑलमोस्ट 120 MCQs है सर, इतना आप करो तो सही, बहुत अच्छी एक्सट्रीम प्रैक्टिस हो जाएगी सर ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में सेकेंड वीडियो में लेके आऊँगा, आई होप आपको समझ आया होगा, फ्रेंड्स को शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, लाइक ज़रूर करना ठीक है, चलो थैंक यू।